आले तू हाँ. तू ऐसा कर पहले भांडी घस दे. हाँ ठीक है. मैं रोहन को दूध दे के आती हूँ. रोहन अरे रोहन उठ रे. अरे ये क्या हुआ? अभी तो 8:30 भी नहीं और तू इतनी जल्दी तैयार भी हो गया और वो भी अपने आप. अरे आई तुम भूल जाती हो ट्यूशन के में सरप्राइज मिलने वाला है. अच्छा बच्चू इसलिए अपने आप इतनी सुबह उठ के तैयार हो गया. अरे दूध तो दो. आई काउंट करो. अच्छा 1 2 3. गुड बॉय. ये लो अब मैंने फिनिश कर दिया अब मैं जा रहा. अरे अरे रोहन बेटा दूध तो पी ले. इतनी जल्दी कहाँ जा रहा बेटा? अरे पापा ट्यूशन जा रहा हूँ. ट्यूशन? मैं 9:30 बजे तक वापस आ जाऊंगा. अब तक तक ऑफिस में जाना. नहीं जाऊंगा बेटा. तू जब तक ट्यूशन से नहीं आएगा मैं यहीं वेट करूंगा तेरा. जल्दी से आ जा फिर सरप्राइज. मैं सरप्राइज रेडी रखना. सरप्राइज में तैयार रखूंगा यहीं तेरा वेट करूंगा. जल्दी से आ जा. ऑफिस में जाना. बिल्कुल नहीं जाऊंगा. चल चल जा. बाय बाय. अरे रोहन आज तुम आधे घंटे पहले आ गए. तुम्हारा ट्यूशन तो 9 बजे होता है ना? आज मैं जल्दी उठ गया. आज जल्दी लेडी हो गया इससे जल्दी आ गया. ओके चलो कम इनसाइड. अच्छा यहाँ बैठ जाना और कल तुमने जो पढ़ाई किया था ना उसे अच्छे से रिवाइज करना. मैं अभी आती हूँ. हो गया तुम्हारा? हाँ मिस. मिस मैंने रिवाइज भी कर लिया और होमवर्क भी कर लिया. अब क्या करना है? वाओ वेरी गुड. आज सब कुछ इतना फटाफट सॉल्व किया. क्या बात है? बाबा मुझे एक सरप्राइज देने वाला है. अच्छा और वो सरप्राइज कब मिलेगा तुम्हें? ट्यूशन के बाद. ओह इसीलिए आज तुम आधा घंटे पहले आए. वेरी गुड. आज के लिए तुम्हारा होमवर्क हो गया. अब इसे बैग में रखो. ये. रोहन रोहन बेटा वॉचमैन वॉचमैन. जी मैम साहब. रोहन आया था क्या? देखा उसे? रोहन बाबा तो यहाँ नहीं आया. सारा दिन तो आप यहाँ बैठे रहते हो किस लिए आपको रखा है? अरे आते जाते लोगों को देखना चाहिए ना. मैम साहब हम सच बोल रहे हैं. हम यहीं पर थे सिर्फ 2 मिनट के लिए. गए थे बाथरूम करने के लिए. अरे पगार किस बात की लेते हो आप? प्रीति क्यों चिल्ला रही है इसके ऊपर और इतनी घबराई हुई क्यों है? काकी वो रोहन कहीं नहीं मिल रहा है. 1 घंटा पहले शोभा के घर से ट्यूशन पढ़ के निकला था पर अभी तक घर नहीं आया. और इससे पूछ रही हूँ कि सोसाइटी के बाहर गया है तो बोलते हैं मुझे नहीं पता मैंने नहीं देखा. तू घबरा मत आ जाएगा वो. और ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बिना बताए कहीं खेलने चला गया हो? रोहन को खेलने का बहुत शौक है लेकिन मुझे बिना बताए वो कहीं नहीं जाता. कुछ नहीं होता भरोसा रख. आइए चलना लौकर. घबरा मत वो आ जाएगा. और इसको बोल ढूंढने के लिए पूरे जहां. हाँ ठीक है काकी. हम ऐसे करो सोसाइटी के बाहर जाकर देखो कहीं वो बाहर ना हो. जी मैम. आपके बच्चे को गायब हुए कितना टाइम हो गया? सर 4 घंटे से ज्यादा हो गए. हमने उसे सब जगह देखा सर. उसकी ट्यूशन टीचर के घर पड़ोसियों के घर और उसके दोस्तों के घर भी सोसाइटी में भी देखा सर लेकिन वो कहीं भी नहीं. बच्चे की कोई तस्वीर? रोहन नाम है इसका. चंदन सवे नाम का आदमी आपके होटल में रुका हुआ है. उसका रूम नंबर? सर वो तो 1 घंटा पहले ही चेकआउट कर गए. जाने के लिए उसने कोई टैक्सी या ऑटो मंगवाई होगी? हाँ सर कैलाश उनके लिए टैक्सी लेकर आया था. कैलाश को बुलाइए. हेलो कैलाश रिसेप्शन पे आना प्लीज. चंदन ने ये रूम बुक करने से पहले कोई आइडेंटिटी प्रूफ दिया होगा? ये लीजिए. सर ये है कैलाश. चंदन सवे ने कहां तक के लिए टैक्सी मंगवाई थी? साहब उन्होंने तो बस स्टैंड के लिए बोला था.
तेरा नाम चंदन है? हाँ साहब, लेकिन क्या हुआ? चल पुलिस स्टेशन। लेकिन क्या हुआ साहब? मैंने चल। अरे मुझे क्यों पकड़ के ले आ रहे हो? इतना कि तूने उनके बच्चे को किडनैप कर लिया? नहीं साहब, मैंने ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं किया साहब। मैं तो बस अपनी बात रखने के लिए अमन के घर गया था साहब। सारा पैसा तुम नहीं रख सकते? जैसे तुम उनके रिश्तेदार थे ना, वैसे मैं भी उनका रिश्तेदार था। अमन, आधा पैसा मेरे को देना पड़ेगा। हाँ मैं बता देता हूँ। देखो चंदन, तुम बेकार ही गुस्सा हो रहे हो। काका ने ये पैसे मुझे दिए हैं, इसका मतलब मेरा है। और काका ने कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया होगा ना। इतने सालों तक मैंने ध्यान रखा उनका, समझा? चक्कर लगाता था उनका, और पैसा देने का बारी आया तो तुम्हारा पैसा, तुमको दिया पैसा। ध्यान रखा, चक्कर लगाते? अरे काका को भी पता था और सबको पता था कि तुम किस मकसद के लिए चक्कर लगाते थे। देखो अमन, साफ साफ बात है, 20 लाख में से आधा हिस्सा मेरा पास। सराफत से पैसा दे दो मेरे को, नहीं तो मेरे को पैसा लेना आता है, मैं बता रहा हूँ। तुम ऐसे मेरा हक नहीं मार सकते। 2 दिन के लिए इधर होटल ऐश्वर्य में रुका हूँ। देखो 2 दिन का वक्त है, तुम सोच लो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा, मैं बोल दे रहा हूँ। प्लीज कॉल रिसीव कीजिए और देखिए 30 सेकंड तक उसे बातों में उलझाए रखिएगा प्लीज। हेलो अमन। हाँ जी, बोल रहा हूँ। बहुत माल आ गया है ना तेरे पास, चल अभी थोड़ा ढीला कर, और ऑन तेरे को वापस चाहिए ना। कौन बोल रहे है? क्या चाहिए तुम्हें? और रोहन तुम्हारे पास कैसे? कौन बोल रहे है? बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। ज्यादा नहीं, रोहन को घर छोड़ने का सिर्फ 15 लाख लगेगा, वो भी कैश। कल फोन करके टाइम और लोकेशन बता देता हूँ। और सुन, अगर रोहन चाहिए तो पुलिस को दूर रखना, और डेड बॉडी चाहिए तो अभी जा सकता है। हमें कैसे मालूम कि रोहन तुम्हारे पास है? उसका टेंशन मत ले, तेरे लिए गिफ्ट भेजता हूँ ना। हेलो हेलो सर, लोकेशन तो पास कही है, पंचवटी रोड, PCO का नंबर है। देखिए हम पुलिस डिपार्टमेंट से, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। पूछिए। 1 घंटा पहले किसी ने यहाँ से फोन किया था, आपसे जानते हैं? नहीं साहब, वो 1 घंटा बहुत टाइम होता है, उसमें तो बहुत से लोग आके चले गए, और फिर मैं कैसे किसी को पहचान सकता हूँ। हेलो सुन, पैसा कल सुबह 11 बजे कमला मिल कंपाउंड के पास जो कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है ना, वहाँ छोड़ देना, और ज्यादा शाना मत बनना। पुलिस के पास गया ना तो इस बार बच्चे की टी शर्ट नहीं, उसका सर भेजूंगा, समझा क्या? नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना प्लीज, मैं पैसे लाऊंगा कल, मैं कमला भी जाऊंगा, पैसे लाऊंगा, प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत करना प्लीज। हेलो 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 सर, बच्चे को मारने की धमकी दे रहा सर, कुछ कीजिए सर। यू डोंट वरी, पता लगा? यस सर, इस नंबर से फोन आया था। इस नंबर की कुंडली निकालो पाटिल। सर देखिए मिस्टर अमन, प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि वो बच नहीं पाएगा, हम हर हाल में उसे पकड़ लेंगे। पैसे का बैग तैयार कीजिए प्लीज। नहीं, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, जाइए आप हमारे घर से। अमन, अमन बोलो इनको कि जाए हमारे घर से। प्रीति समझो। अमन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? उन लोगों ने मना किया था पुलिस को बताने के लिए, वो मार देंगे हमारे रोहन को। देखिए आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, हम उसे बचा लेंगे, हम सिविल ड्रेस में जाएंगे बिल्कुल ऐसे, उन्हें पता नहीं लगेगा कि हम पुलिस वाले हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, उनको पैसे चाहिए ना, हम दे देंगे, आप जाइए हमारे घर से बस। सर कुछ कीजिए सर। जैसे मैं हाँ काम ले बोल। आज सुबह शहर के बाहर गांव के कुछ लोगों को तालाब के किनारे एक सूटकेस मिला, जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें बच्चे की डेड बॉडी थी, बैग उसके साथ था। ऐसा रिपोर्ट्स वाला बैग तो मेरे रोहन के पास भी था, लेकिन सर ये मेरे रोहन का नहीं है। अरे ऐसा बैग बहुत कॉमन है, सब बच्चों के पास होता है। नहीं अमन, ये बॉटल भी बहुत कॉमन है सर, मेरे रोहन को कुछ नहीं हुआ सर। मैंने अपने बच्चे को गिफ्ट दिया था, मेरा बेटा अमन।
बोला साहब? ये सामने वाले घर में ताला बंद है, क्या आप बता सकती हैं ये लोग कहाँ गए हैं? नहीं साहब, माइत नहीं। आपको कुछ आइडिया है कि इस घर में कौन रहता है, क्या करता है, क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं पता, पर हाँ ये आदमी अजीब सा है, अकेला रहता है, कोई फैमिली वैमिली भी कभी देखी नहीं उसकी, पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता है, कुछ पता नहीं चलता। इससे पहले कब देखा था? ये सोमवार से तो वो आया ही नहीं है। पाटिल, हम लोग सही ट्रैक पर हैं। एक काम करते हैं, इस घर की तलाशी लेते हैं। जी सर। चलिए। पांडे। यस सर। तोड़। इस आदमी को पहले आपने कभी देखा है? इसे जानती हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा इसे, मैं नहीं जानती हूँ। Are you sure? हाँ, नहीं, नहीं देखा इसे कभी। चार महीने हो गए, अभी तक पगार नहीं मिली। कहा ना तुझे, तेरा अगला पिछले महीने का ना सब हिसाब चुकता कर दूंगी। बस नहीं दिया ना तो मैं भी बोल देती हूँ मैं आपका काम छोड़ दूंगी। एक आप हो और एक वो प्रीति दीदी, हर महीने के पहली तारीख में मेरे हाथ में पगार रखती है। मैंने उनको एक बार 1,000 रुपया मांगा तो उन्होंने मुझे 2,000 दिया, वो भी एडवांस। ये रख दीदी, मेरे को तो 1,000 चाहिए, 2,000। अरे तू रख ना, उनके पास बहुत पैसा होगा, हमारे पास नहीं है। जितना ज्यादा पैसा है ना उनके पास, उतना बड़ा दिल भी है उनका। उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? उनके कोई काका 20 लाख रुपए छोड़ गए। ए, इतने सालों तक मैंने ध्यान रखा उनका, समझा? देखो अमन, साफ साफ बात है, 20 लाख में से आधा हिस्सा मेरा पास। मैंने मारा रोहन को, मुझे पता था रोहन 9 बजे ट्यूशन में जाता है, इसलिए मैं उसका इंतजार कर रहा था पहले से ही, और जैसे वो आया मैंने उसे। इधर आ, तेरे को कुछ दिखाना है? नहीं, मुझे बाबा के पास जाना, मुझे देर हो रही है, बाबा ने मेरे लिए सरप्राइज रखा है। वही तो तुझे दिखाना है, तेरे पापा भी यहीं पे है। चल आजा, आजा जल्दी आजा। कहाँ है मेरे पापा, कहाँ है मेरे पापा? पापा अंदर है, अंदर अंदर। चल 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 चलो 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 चलो। कहाँ है? मेरे बाबा तो नहीं है भैया, मैं जा रहा हूँ। संजय मेरे को इस काम का 5 लाख रुपया देने वाला था, मेरे को भी पैसों का जरूरत था साहब, उसको बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जगह की तलाश थी साहब, तो मैं उसको ताला वाली जगह पर लेकर गया था। देखा था मैं वही खड़ी थी, मेरे सामने वो बैग को खाई में डाल के ले गई, लेकिन उसी के मदद था कि मेरा रोल मैं कुछ नहीं कर सकी। महेश भारती और संजय पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 361 के तहत अपहरण के लिए, और धारा 120B के तहत सबूत मिटाने के लिए मुकदमा चल रहा है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।